उस दिन आया दो फायरिंग हुआ एकदम हमारे गेट पर एकदम तो गेट से टकरा के गोली एक इधर एक इधर ऐसे पड़ी थी इतनी बड़ी बड़ी गोली फिर हम लोग डर गए तो अब उस दिन दरवाजा नहीं खोले हम लोग मौजूद है चपरैठा में और हम जिस परिवार के पास मौजूद है अंजलि और सूरज जिस तरीके से सूरज की हत्या पहले ताकि अंजलि के पेट में बचा है तो अंजलि को मार देंगे तो खत्म हो जाएगा अब है कि बाह बेचे दोनों को मारेंगे अभी भी कल भी वो रीना जो है रीना उनकी बहन जो कह रही हुए हैं मेरा नन्हा सा सूरज जब आएगा तो उसको अपने बेटे की तरह मैं पोसूंगी पालूंगी और उसके बाद जो है आज हमारे साथ जो है वो नन्हा सा बालक जो है आ चुका है और देखिए यहाँ पे उनकी माँ भी कैसा लग रहा है सूरज फिर से जैसा कि आपने कहा था कि हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे बेटी की तरह पालेंगे पोसेंगे अभी इसको तो बेटी रखते हैं बहुत हम आज तक समझे ही नहीं बहुत हम किसी बहू को नहीं समझते हम सबको बेटी क्यों भगवान हमको बेटी नहीं दिए इसको तो इतना सोच के रखे हैं कि इसको इतना पढ़ाएंगे इतना लिखाएंगे कि पढ़ा लिखा कर इसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे अंजलि को अब बच्चा तो हमारा सूरज ही है हम तो सूरज नामे रखे हैं उसको ऐसे सूरज तो अभी नाम रख ना, सूरज नाम रख दी सूरज खिलाती हूँ जब लेती हूँ तो क्या सूरज का करे ऐसे महसूस होता है कि मुझे कि इसके अंदर सूरज है मुझे दिखता है तो ऐसे लगता है कि सूरज देख रहा है मुझे छूता है तो ऐसे लगता है कि सूरज छू रहा है है ऐसे होता बिल्कुल सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे उस नन्हे मुन्ने बालक को थोड़ा थोड़ा सा सा चेहरा रिवील करिएगा सामने से सा। देखिए जो है माँ का कहना है जो दादी है उनका कहना है कि हमारा जो ये सूरज ही आया हुआ है, सूरज है बिल्कुल।, बिल्कुल सूरज के जैसा ही दिखता है आप देख पा रहे होंगे जो कि आप इस चल रहा है वीडियो में देखिए देख भी रहा है वो कि सामने वाला लोग भाई साधारण कोई कातिल नहीं है वो लोग पेशेवर कातिल है पेशेवर कितना कत्ल कितना वो लोग दो नंबर का धंधा ही करते हैं कुछ भी कर सकते हैं और बाहर है जेल के अंदर है नहीं पकड़ाएं नहीं या जो भी भागे हैं हाथ में हथियार है तो डर तो बहुत लग रहा था खबर भी भेजते थे उन लोग के चलते तो हम इसको खून नहीं चढ़वाए इसके देह में खून नहीं था डॉक्टर साहब बोल दिया था कि खून नहीं चढ़वाएंगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा लेकिन हम नहीं लेगा ये खून चढ़वाने उसके चलते लेकिन भगवान एक बाइक जब दर्द शुरू हुआ तो हमारा तो हार्ट फेल होने लगा कि अब हम क्या करें डॉक्टर बुलाए खून चढ़वाने के लिए खून चढ़वाए नहीं और दर्द शुरू हो गया क्या करें थाना पर फोन किए सपोर्ट मिला वहाँ हाँ बोले वो प्रभात जी, जी कि हाँ हम आ रहे हैं खुद आए अपना गाड़ी चला के लेके आए एम्बुलेंस आया एम्बुलेंस आया फिर आगे आगे एम्बुलेंस गए पीछे से थाना गए लेके छोड़े वहाँ पर हॉस्पिटल में फिर वहाँ पे एक चौकीदार दिए वहाँ पे बैठे रहे उसके बाद भगवान के कृपा से कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है भगवान होते हैं लेकिन हमको उम्मीद नहीं था हम तो ऐसे कांप रहे थे कि क्या होगा लेकिन भगवान के कृपा से ये घंटा लगा नॉर्मल बच्चा भी हो गया खून के भी जरूरत नहीं पड़ी सब कुछ ठीक अस्पताल हाँ यही एकमा सदर अस्पताल में नॉर्मल हो गया जिसको हम मैंने कभी कल्पना नहीं किए थे कि नॉर्मल बच्चा होगा जिसके देह में छः परसेंट खून है डॉक्टर साहब बोल दिया, आ, दिया दादी के जहन में कितनी खुशी दौड़ी होगी उस वक्त जब के सूरज जब बोली ना हमको तो हम तो कांप रहे थे बाहर आके लेकिन जब दाई हमारे गांव की गई थी साथ में वो बोली ना आके कि बाबू हो गया तो हम तो पहले दीवार में सर पीटे सूरज सूरज चिल्लाने लगे लेकिन फिर गए गए तो जब उसी समय ऐसे देखा ना मेरे तरफ तो मुझे पूरा महसूस हो गया कि हमारा सूरज आ गया देखिए ये जो है एक माँ का दर्द है जो कि से झलकता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं एक बच्चा आया है उसके बाद भी कहीं ना कहीं दर्द है उस कशिश में जो है आज भी इंतजार है कि मुझे मेरे बेटे के कातिलों को जो है इनसे दिया जाएगा जो है सजा सजा होगा क्या कहना चाहेंगे इसमें जो है किन किन लोगों से आपको जो है दिक्कत है जो दिक्कत है कि एक शशिभूषण गिरी की बहन है जो क्रिमल क्रिन, क्रिमिनल है उसका पति रहता है बाहर है वो दो चार गुंडा पाल रखी है दिल्ली में उसी का वो रहती है वो आई हुई है इस समय उस समय मेरे बेटे का मर्डर हुआ ना तभी वही आई थी और वो रचती है और गुंडा बुलाती है मर्डर करवाती है उस समय वो आई और मेरे बेटे को मर्डर करवा दी फिर आई हुई है अभी दुवार पे राज भी कहवाई थी दो चार आदमी एक गांव के लेडीज थी जो जिसको बैठा के अपने आपस में मीटिंग कर रहे थे कि इसको मार देंगे हम लोग हम ही लोग मार देंगे अंजलि को तो वह लेडीज आके मेरे से बोली कि ऐसे ऐसे कह रहे थे तो अब हम तो डर तो लगता है थाना महिला जो यहाँ पे बैठी हुई है वो लोग कहती है कि हम ही मार देंगे ना नहीं समझिए वो लोग उसके घर की लेडीज जिसका पति भगौड़ा है जिसका पति जिसके घर के मर्द क्रिमिनल है जिसके मर्द घर के मर्द गंजा का धंधा शराब का धंधा बंदूक के धंधा दमन से मर्डर करके भागा हुआ उनके घर की औरत कैसी होगी वो सब ही है, है। ना कही कहीं से भी बिलोंग करती है और यहाँ के क्या मुखिया भी रह चुकी हैं उप मुखिया हूँ मुखिया हूँ अभी भी, भी कार्यरत है लेकिन उसके बाद भी डर है प्रशासन सपोर्ट नहीं देती है प्रशासन अब सपोर्ट नहीं दे रही है अंजलि को बच्चा होने के टाइम सपोर्ट दी लेकिन अब सपोर्ट नहीं दे रही है पता नहीं क्यों पहले था प्रशासन हमारे साथ लेकिन अब हमारे पास हमें लग रहा है कि अब हमारे पास पैसा रुपया उतना नहीं है जितना उन लोग के पास है वो लोग दे चुके हैं प्रशासन हमारे साथ से हट चुकी अच्छा, गोली -गोली भी चला है सुनने में दो बार गोली चली एक बार तीन गोली चली ये डेढ़ बजे रात की बात है। ये डेढ़ बजे रात को बाईस इक्कीस तारीख के रात को इस दिन 22 जनवरी के वो था अयोध्या में उस दिन रात को डेढ़ बजे हम सो रहे थे अचानक से आवाज हुआ हम सोए नहीं थे जब बैठे थे हमको ऐसे लगा था ना कि मतलब बैठे थे ना ऐसे लगा सूरज ऐसे कंधे पर मेरे हाथ रखा कोई तो मैं ऐसे देखी सूरज कहीं से था, था छुप के ऐसे कंधे पर हाथ रखता था मैं फिर मैं सोच ही रही थी अभी तब तक इतनी तेज आवाज हुआ यही घर के बाहर फिर पहले तो अरे बाप रे ऐसे बोली फिर दोबारा होगा फिर तेबारा उठ गई सब बच्चे ऊपर सोए थे सब ऊपर से बड़े चिलाने लगे और भाग के जब चिल्लाने लगे तो भाग के जयराम गिर के घर में घुस गए तो थाना प्रभारी को बुलाए चौकीदार सोते हैं सोते थे आज उनकी लड़की की शादी है तो नहीं आए हैं तो चौकीदार फना आए तो थाना करे खोखा खोजिए खोखा कहाँ है अब हमारा उस समय पिलर उलर देने के लिए सब कोड़ाए उड़ाया था दूसरे दूसरे दिन दुसरे दिन फिर छब्बीस तारीख को शायद सताइस तारीख को क्या होगी एक तारीख एक तारीख के उस समय उस दिन पहले दिन हुआ ना उस दिन अभी सब बिजली का कमरा ताड़ नोचाया हुआ था पिलर देने के लिए उस दिन कमरा नहीं चल रहा था कि भाई बिटोर करिए रिश्तेदारों को बीस पच्चीस और हैं उसके घर आ गई है कभी रात को हमला कर देगी तो हम लोग क्या करेंगे अच्छा आज अगर सूरज होते इस एक तारीख को कमरा चल रहा था उस दिन आया दो फायरिंग हुआ एकदम हमारे गेट पर एकदम तो गेट से टकरा के गोली एक ही एक ऐसे पड़ी थी इतनी बड़ी बड़ी गोली फिर हम लोग डर गए तो अब उस दिन दरवाजा नहीं खोले हम लोग अंदर से फोन किए चौकीदार को चौकीदार फोन किए बड़ा बाबू को बड़ा बाबू ये जो मामला है जो हुआ है गोली चली है वो डिलीवरी के एक दिन पहले की घटना है पहले की बात हाँ एक ही दिन पहले माँ को और बच्चों को दोनों हाँ, को मार देने की मनसा रहे हाँ, हाँ, हाँ मारने के लिए अभी भी है मनसा हाँ। पहले था कि अंजलि के पेट में बचा है तो अंजलि को मार देंगे तो खत्म हो जाएगा अब अब है कि माँ बेचे दोनों को मारेंगे अभी भी कल भी वो रीना जो है रीना उनकी बहन जो कह रही हूँ मैं बीच में तो कितनी खुशी होती इस चीज को लेकर के सूरज होते ना तो आज आपको बता कि आज चार दिन हुआ ना बच्चों को चार दिन से हमारे द्वार पर भोज चल रहा होता चार दिन से दसों दिन तक भोज चलता सूरज होते देख रहे हैं यहाँ पे हम मौजूद है चपराठा में जैसा कि मैंने आपको बताया और सूरज अंजलि का जो मामला था जिस तरीके से तमाम तरीके से मीडिया यहाँ पे पप्पू यादव भी लेकिन आज जो है इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है परिवार जनों के द्वारा कहना है कि कहीं ना कहीं पैसे मेरे पास कम है इसकी वजह से जो है इसको प्रशासनिक तौर से भी दबाने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो में इतना ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा और इसको इनको इंसाफ मिलना चाहिए अगर कोई भी हमारे सत्ता में बैठे लोग इस चीज को देख रहे हैं तो यहां पे आकर के जो है इसको इंसाफ दिलाने का काम करें इस वीडियो में इतना ही मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद